अस्सलाम वालेकुम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे थे। इसका जो सबसे मेन पोस्टुलेट ये था, कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हम ऑक्सीजन की एग्जांपल भी एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका मेन पोस्टुलेट ये था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलने के बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और आधे क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। ये बात आपने याद रखें, आप हमने ऑक्सीजन की एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। चार चीजें जो कि हमने एक एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। इसके बाद सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसकी स्ट्रक्चर है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आगे वाली दो चीजें आपकी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। थर्ड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका बॉन्डर क्या है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा इसकी बॉन्ड एनर्जी। सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लो। ऑक्सीजन एटम की हमने ओ2 फॉर्मेशन पढ़ना है, ओ2 इसको ये भी कहते हैं हम, ओ2 फॉर्मेशन, फॉर्मेशन O2 किस तरह बनता है, जरा गौर कीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम इज, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये होती है, O के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आगे पास हमारे पास रहते हैं 2px, 2py एंड देन 2pz। px के अंदर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने अमूमन स्ट्रक्चर बनानी होती है वो वैलेंस शेल की बनानी होती है, वैलेंस ऑर्बिटल की बनानी होती है। 2s और 2px और 2py और 2pz, यानी कि s ऑर्बिटल की और p ऑर्बिटल की यहां पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। जरा गौर कीजिएगा स्ट्रक्चर बनेंगे किस तरह। स्ट्रक्चर सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात है, अगर स्ट्रक्चर सही है तो आप बाकी सारे के सारे चीजें यहां पे लिख लोगे। पहले मैं यहां पे 1s की स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यहां पे 1s ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं। तो ये सॉरी 1s की नहीं बनाएंगे, 1s को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्बिटल हैं इसको छोड़ के बाकी ये सारे के सारे ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले मैं 2s की स्ट्रक्चर बनाऊंगा। 2s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह दूसरे एटम के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2s के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहां पे आपने लाइन लगा लेनी होती है। लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि हमारे पास इस लाइन के बाहर की तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, इस साइड पे भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, जबकि दरमियान में हमारे पास बन रहे होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, अब आपने करना क्या है कि हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जरा गौर कीजिए किस तरह के होते हैं। यहाँ पे एक आपने हायर एनर्जी पे बना देना, एक लोअर एनर्जी पे। सही, लास्ट में हमने नाइट्रोजन एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, तकरीबन तकरीबन काम वही है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सही, दो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे फिल कर देने, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर देने, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, दो नीचे वाले ऑर्बिटल में आएंगे, दो ऊपर वाले ऑर्बिटल में। याद रखिएगा एस ऑर्बिटल के मिलने से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। इस ऑर्बिटल का नाम होगा सिग्मा 2s, इस ऑर्बिटल का नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब देखिए हमने इस ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना दिया, बाकी हमारे पास इन तीन ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर रहेगी। इन तीन ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर हमको जिस तरह से ड्रा करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपके डिफरेंस आ रहा होता है नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर में और इसकी स्ट्रक्चर में। हमने क्या किया, तीन ऑर्बिटल यहाँ पे ड्रा करने, तीन ऑर्बिटल यहाँ पे ड्रा करने, एक गोल दायरे तीन लगा देने, क्योंकि हमने तीन ऑर्बिटल लिखे हैं 2px, 2py एंड देन 2pz। सेम काम इस साइड पे करो, 2px, 2py और 2pz। यहां पे देखो हमारे पास 2px सबसे पहले लिखा है, इसके बाद 2py और इसके बाद 2pz। सेम काम यहां पे 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल। अब देखो 2px के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, मैंने 2px के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रख दिए। 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन। सेम काम यहां पे करो, 2px में दो,
एक एक। अब हम दो दो दफा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़नी है O2 की फॉर्मेशन, कि ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड किस तरह बनता है। ये वाली हम सारी की सारी बातें कर रहे हैं एक ऑक्सीजन एटम की, और ये वाली सारी की सारी बातें कर रहे हैं दूसरे ऑक्सीजन एटम की। तो इसको हमने जोड़ने का तरीका कर देखेंगे किस तरह जुड़ रहा है, सही है। अब यहां गौर करते जाइएगा, अब आपने करना क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रा करने हैं। यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रा करने हैं, ये कुछ इस तरह के बने होते हैं, इनको आपने सेम एग्जैक्ट इसी तरह बनाना होता है। तो ये सेम एग्जैक्ट इसी तरह बनाना होता है, इनको थोड़ा सा गोल कर लें, ये कुछ इस तरह के हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। अब आपने करना क्या है, इन सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मिडल से जोड़ देना, दरमियान से जोड़ देना, यहाँ पे सेम काम, इसको भी यहाँ पे मिडल पे जोड़े हैं सारे के सारे, यानी कि यहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, ये जो छः हमने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए हैं, इन छः एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से छः मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। हमने यही बात कही थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनमें आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और आधे क्या होते हैं एंटी बॉन्डिंग। जैसे हमने यहाँ पे कितने ऑर्बिटल मिलाए, तीन ये छः, टोटल कितने बने, एक दो तीन चार पाँच छः, जिसमें आधे देखो आधे इस लाइन के नीचे हैं। नीचे का मतलब कि ये जो भी नीचे होगा इनकी एनर्जी कम होती है, इसको हम नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, और जो भी दरमियान से ऊपर होंगे इसको हम नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने हैं, दो ये चार पाँच, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। नीचे से ऊपर की तरफ फिलिंग करो, दो यहाँ पे आ जाएंगे, पहले सेम स्पिन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, बाकी बचते हैं तो बाकी ऑपोजिट स्पिन के साथ। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो दो चार दो छः, कितने रह गए, दो इलेक्ट्रॉन रह गए। सेम स्पिन के साथ पहले एक एक ऑर्बिटल के अंदर डालना है, ये हमारे पास रूल्स के मुताबिक है। रूल यही कहता है कि आपके पास अगर दो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल मौजूद हो, एक जैसे ऑर्बिटल मौजूद हो, तो आपने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। और यही चीज हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बता रखा है, अगर चार नंबर का शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें दो नंबर का ये वाली चीज होगी, स्ट्रक्चर सिर्फ दो नंबर की होगी, वो एग्जामिनर को पता है अगर इसे स्ट्रक्चर सही बना देना बाकी चीजें सही बना देगा। अब ये वाली चीज होगी, अब इसके बाद हमने इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकाला है इस मॉलिक्यूल का, बाकी चीजें बिल्कुल आसान है, स्ट्रक्चर सही बन जाती है। बॉन्ड ऑर्डर की यहाँ पे हेडिंग दे दो, बॉन्ड ऑर्डर, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड एज, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर किस तरह, कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड एज, इस तरह कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, देखो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको डिवाइड कर देना होता है दो के ऊपर। यहाँ पे कैलकुलेट करो कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सही। चलो पहले इनको नाम दे लो, बाद में पता चलेगा कि कौन कौन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कौन कौन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये वाला जो ऑर्बिटल खेला होता है इसको कहते हैं सिग्मा 2px, ये जो होता है हमारे पास इसको कहते हैं पाई 2py, ये होता है पाई 2pz, ये हमारे पास होता है जी पाई स्टार 2py, इसको कहते हैं पाई स्टार 2pz, और ये हमारे पास सिग्मा स्टार 2px, ये हमारे पास ऑर्बिटल का नाम है। अब जहां जहां पे स्टार लगा होता है ना, तो ये हमारे पास होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर जो ये दोनों ऑर्बिटल के ऊपर पाए जाते हैं इनसे एनर्जी हाई होती है वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी इनसे कम होती है वो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे स्टार वाले अभी नहीं करने कल, जिनके ऊपर स्टार नहीं है, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन हो गए, दो ये दो ये दो ये कितने हो गए, दो चार छः और आठ, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, आठ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो गए, माइनस करो एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को, दो ये हैं एक ये एक ये, कितने हो गए चार इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, चार इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड कर दो पे, आठ माइनस चार, चार
डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास 2 आ गया। तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या, दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान में 2 बॉन्ड होंगे। दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान में कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे। सो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सो द बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 2, सो व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड एज, इसको आप इस तरह कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डबल बॉन्ड O। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है और डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। याद रखिएगा, अगर मैं किसी भी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ गिराता हूँ ना, यहाँ मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके गिरा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे मैग्नेट लगा दूँ ना, दो पॉसिबिलिटी है इस चीज के पास, कितनी पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि ये चीज थोड़ी सी अट्रैक्ट हो जाए मैग्नेट की तरफ, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रिपेल हो जाए मैग्नेट से। अगर तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, होगी हमारे पास पैरा मैग्नेटिक, ये क्या होगी, पैरा मैग्नेटिक, और अगर ये मैग्नेट से रिपेल होती है ये क्या कहलाएगी, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। बस ये बात आपको याद रखनी है, पैरा मैग्नेटिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे गौर करो, इस पूरी स्ट्रक्चर में कहीं पे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन को अगर आप मैग्नेट के करीब से गुजारोगे तो ये ऑक्सीजन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, ऑक्सीजन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। मैं आपको एग्जांपल वैसे भी दे देता हूँ, लोहा जो होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है, इसको मैग्नेट करीब से गुजारोगे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, खींच पड़ता है उसकी तरफ जाता है। फिर अगर आप यहां से लिक्विड ऑक्सीजन नीचे की तरफ गिराते हो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, नाइट्रोजन एटम की तरफ, सॉरी मैग्नेट की तरफ, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक होती है। ये क्या है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस। क्यों पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किस वजह से पैरामैग्नेटिक ड्यू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पास पेपर में नाइट्रोजन के मुकाबले में ये वाली चीज ज्यादा फाइल हुई। अब मैं आपको मेन चीज बताता हूँ जहां पे कंफ्यूजन हो रही होती है, ये स्ट्रक्चर याद किस तरह करें, वो स्ट्रक्चर याद करें किस तरह करें। अगर वहां पर देखोगे ना, नाइट्रोजन के केस में हमने ये किया था, यहाँ पे चेंजिंग आ रही है, मतलब हमने मैं सिर्फ सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, हमने वहां पे ये किया था, पहले 2 बनाए थे, फिर 1 बनाया था, फिर 2 बनाए थे, फिर 1 बनाया था, ऐसे ही था, ऐसे ही था कल, पहले 2 फिर 1, यानी कि ये वाला इसको उठाकर ऊपर कर दिया, इसको उठाकर नीचे किया था, सही है, बाकी ऊपर वाला सेम है। अब इन दोनों को याद किस तरह किया जाए, एग्जाम में हमें किस तरह पता चलेगा, इसको याद करने का तरीका, ये नीचे वाला बिल्कुल सेम है, नीचे वाला बिल्कुल सेम है। अब इसको याद करने का तरीका सीखिएगा, याद करने का तरीका यह है कि आपने ऑक्सीजन की जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो ऑक्सीजन का कुछ इस तरह है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 1, ऐसा ही है, पहले 1 2 2 1 1 2 2 1, इन सबको आपस में मिलाओगे ना तो पता चलेगा क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। यानी कि इसको सिर्फ याद करने का तरीका यह है कि आप ऑक्सीजन कुछ इस तरह से भी तैयार कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो कि ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, और इससे बिल्कुल रिवर्स किसकी बनेगी, नाइट्रोजन से 2 1 2 1, इस तरह याद कर लेना नाइट्रोजन। और लास्ट में हमारे पास एक चीज आ गई है, वह है जब इसकी एनर्जी, ऑर्बिटल की एनर्जी देखनी है, वो एनर्जी देखिएगा, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर बिल्कुल तकरीबन तकरीबन कल वाला ही होगा। इससे पहले हमारे पास 1s आता है, क्योंकि 1s ऑर्बिटल भी हमारे पास मौजूद है, तो 1s से स्टार्ट करूंगा, आगे की तरफ जाऊंगा, सिग्मा 1s एनर्जी सबसे कम, इससे ज्यादा होती है सिग्मा स्टार 1s, इससे ज्यादा होती है। अब यहां से स्टार्ट करना है सिग्मा 2s, यहां पर बेशक दो दो लिखते जाए, दो दो का मतलब यह है कि यहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद, सिग्मा 2s, इसके बाद हमारे पास आ जाए सिग्मा स्टार 2s, देखो सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या आ रहा है, सिग्मा 2bx,
सिग्मा 2p एक्स, और इसके बाद हमारे पास आ रहा है देखो दो आ रहा है, दोनों की एनर्जी क्या है बराबर है पाई 2p बाय और पाई 2bc, दोनों को बराबर रख के लिख दो पाई 2p y इक्वल टू पाई 2pz, यहां पे दो ले दो, दो का मतलब क्या यानी कि हर एक यहां पे पाई 2p x लिखते हैं दो इलेक्ट्रॉन पाई 2pz लिखते हैं दो इलेक्ट्रॉन, यहां देखो पाई स्टार 2p y आगे जा रहा पाई स्टार 2p y के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एक, और इस तरह पाई स्टार 2pz के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है एक, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा एक ही बच गया पाई स्टार 2p y सिग्मा स्टार 2p x सिग्मा स्टार 2p x। देखिए हमारे पास एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर इतना ही हम लिखेंगे इंशाल्लाह चार नंबर आपको लाजम मिल जाएंगे क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर सही बना, क्योंकि अगर आप ये वाली चीज सही बना लेते हैं ना, ये वाली चीज भी आप इसको देख के लिख सकते हो, ये वाली चीज भी आप इसको देख के लिख सकते हो, ये दो चीज आप इसको देख के लिख सकते हो, मतलब स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर भी अगर आप स्ट्रक्चर ही चेक करेगा, बाकी कोई चीज चेक करे या ना करे डायरेक्ट यहाँ पे आएगा देखे कॉर्नर क्या निकाला हुआ फार्मूला से निकला खत्म, चार नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो ये मन पास आज के लेक्चर में।